स्वागत है होम डिलीशियस बाइट्स में। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी आने वाली नई वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। दोस्तों सिंपल टिंडे की सब्जी तो आप सभी ने बहुत बार बनाई होगी और खाई भी होगी, क्यों ना आज टिंडे की सब्जी को कुछ अलग अंदाज में बनाया जाए। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए स्टफ टिंडा रेसिपी। अक्सर बच्चे टिंडे तोरी खाने पसंद नहीं करते, लेकिन इस तरह से आप टिंडे बनाएंगे तो बच्चे भी बड़े शौक से खाएंगे। ये रेसिपी एकदम आसान है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बरवा टिंडे बनाने के लिए हमने यहाँ 8 से 9 टिंडे लिए हैं। ये मैंने छीलकर अच्छे से वॉश कर लिया है, क्योंकि हमें बरवा टिंडे बनाने हैं तो पहले हम इन्हें अंदर से खोखला करेंगे, फिर इसमें फिलिंग तैयार करके फिलिंग भरेंगे। इसको इस तरीके से ऐसे चाकू की सहायता से गोल गोल घुमाते जाएंगे, ये जल्दी भी हो जाता है और सफाई से भी होता है। देखिए इसी प्रकार हम सारे टिंडों को खोखला कर लेंगे। इनके जो ये बीज हमने अलग से निकाले हैं, इनको आपको फेंकना नहीं है, ये फिलिंग बनाने के काम में आएंगे। सारे खाली कर लिए हैं, इनके जो बीज निकले थे इनको भी हम चॉप कर लेंगे। ये इनकी ऊपर की कटिंग निकली थी, इसको भी हमें फेंकना नहीं है, बाद में इसको हम यूज़ करेंगे। टिंडे हमने खाली कर लिए हैं, अब उसकी फिलिंग बनाते हैं। यहाँ मैंने 100 ग्राम के करीब पनीर लिया था, इसको मैश कर लिया है हाथ से। ये हमारे टिंडों से निकले हुए बीज हैं, ये मैंने सारे बीज नहीं लिए हैं, थोड़े से लिए हैं जितनी ज़रूरत है। इसमें मिक्स कर देंगे। यहाँ मैंने 8-10 किशमिश काट लिए हैं, इनको डाल देंगे। 8-10 काजू चॉप कर लिए हैं, एक बारी हरी मिर्च चॉप कर ली है। अब हम मिलाएंगे मसाले, इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर। इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। टिंडे का नाम आते ही बड़े और बच्चों को मन नहीं करता खाने का, लेकिन आज मैं ऐसी रेसिपी बता रही हूँ, ऐसे इस तरीके से बनाएंगे आप ट्राई करेंगे तो सभी इन टिंडों को खाते रह जाएंगे। चलिए हमारी फिलिंग तैयार हो गई है, अब हम टिंडों को भरते हैं। फिलिंग को अच्छे से दबा देंगे, देखिए इस तरीके से अच्छे से दबा देंगे और ऊपर से ये ढक्कन की तरह हम इसको बंद कर देंगे। जो एक्स्ट्रा है वो बाहर निकाल देंगे। देखिए अगर आप मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए आपकी सब्जी भी बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनेगी और सबको बहुत खाने में पसंद आएगी। टिंडे हमारे सारे भरकर तैयार हो गए हैं, ये हमारी थोड़ी सी फिलिंग बच गई है, इसको भी हम यूज़ कर लेंगे, इसे आपको वेस्ट नहीं करना है। तो चलिए देख लेते हैं टिंडे की सब्जी कैसे छौंकी जाए। यहाँ मैंने 1/2 चम्मच देसी घी लिया है, क्योंकि ग्रीन सब्जियाँ देसी घी में ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। हल्की सी हींग, आधा चम्मच जीरा पाउडर, अब हम ये टमाटर प्यूरी करी हमने 2 से 3 टमाटर की, ये ऐड कर देंगे। इसको 1 से 2 मिनट के लिए चला लेंगे। इसको 2 मिनट के लिए पकने देंगे। 2 मिनट हो गए हैं, टमाटर हमारे पक गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे हल्के हल्के मसाले, क्योंकि हमने मसाले फिलिंग में भी ऐड किए थे। हल्का सा गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर,
एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, एक बड़ी चम्मच फ्रेश मलाई, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और ये जो हमारी फिलिंग बच गई थी ये भी हम इसी में ही ऐड कर देंगे। जब तक टमाटर घी ना छोड़ने लगे जब तक इन्हें हमें पकाना है। ग्रेवी पक गई है, अब इसमें हम टिंडे ऐड करेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे एक से दो चुटकी हल्का सा चारों तरफ नमक, जिससे ही सब टिंडों में मिक्स हो जाए। देखिए इस तरीके से मिक्स करेंगे। हल्का सा डालेंगे एक टेबल स्पून पानी, एक टेबल स्पून पानी। अब इसमें हम एक सीटी आने तक इंतजार करेंगे। कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और एक सीटी आने देंगे। टिंडे बहुत जल्दी गल जाते हैं इसलिए एक सीटी में ही तैयार हो जाते हैं। एक सीटी आ गई है, अब हम कुकर खोलकर देख लेते हैं, अपने टिंडे चेक कर लेते हैं हमारे टिंडे कैसे हैं। देखिए वाह यम्मी, देखिए आ रहा है ना देखते ही मुंह में पानी, देखिए कितने सुंदर बने हैं। इस प्रकार आप यदि टिंडे बनाएंगे घर पर तो सभी बार बार आपसे बनवाएंगे कि दोबारा बनाइए टिंडे की डिश। भरवा टिंडे बनकर तैयार हैं, देखिए कितने सुंदर और लजीज बने हैं। देखने में ही इतने अच्छे लग रहे हैं कि झट से खाने का मन कर आए। देखिए देखिए आप भी मेरी इस रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई कीजिए और खाइए और खिलाइए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विचार जरूर शेयर करें। थैंक यू।